हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल तरीके से चिकन पोटैटो रेसिपी। पहले हम लेंगे एक पैन में सरसों का तेल। रेसिपी बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से बनके तैयार हो जाती है। करेंगे हम ग्रेटेड प्याज और लहसुन। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम ऐड करेंगे इसमें चिकन। चिकन को भी अब हमें कुछ मिनटों तक फ्राई करना है। ऐड करेंगे हम इसमें सॉल्ट। हम देख सकते हैं हमारी चिकन की कलर पिंक कलर से वाइट कलर में ट्रांसफ़र हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे पोटैटोस। अब हम इसे हिला करके कुछ मिनटों तक ढककर रख देंगे। अब हम ढक्कन खोल करके हमारे मसाले देना स्टार्ट करेंगे। ऐड करें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, चिकन मसाला। अब हम सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसाला तेल छोड़ने लगा है, अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। अब हम इसे मीडियम फ्लेम में ढक के रख देंगे कुछ मिनटों के लिए, तकरीबन 15 मिनटों के लिए। हमारी चिकन पक चुकी है। एंड में हम यूज़ करेंगे गरम मसाला। अब हमारी रेसिपी बन के बिल्कुल रेडी है। देखने में जितनी खूबसूरत है उतनी खाने में भी लाजवाब है। इस रेसिपी को ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा।